योगी आदित्यनाथ आज एटा, फरुखाबाद और औरैया के प्रवास पर हैं, जहां वो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। हासिल जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सबसे पहले एमजीएम इंटर कॉलेज जालेसर एटा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद राजेपुर राठौरी ग्राउंड अमृतपुर फरुखाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे और रामलीला ग्राउंड कमालगंज फरुखाबाद में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 फरवरी को कासगंज आएंगे। कासगंज में मुख्यमंत्री योगी आमापुर विधानसभा उम्मीदवार के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। कासगंज के सोरो में मुख्यमंत्री का इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री योगी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। और ताजा जानकारी के लिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता सचिन यादव के पास। सचिन, कितने बजे मुख्यमंत्री का यहां पहुंचने का कार्यक्रम है और कितनी विशाल ये जनसभा होगी, और लोगों के, यहां के आम वोटर्स के जहन की बात करें तो उसमें क्या कुछ चल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि 12 बजे का समय दिया गया है यहाँ पर, और जो जनेसर विधानसभा पड़ती है एटा की, सुरक्षित विधानसभा है ये। यहाँ पर संजीव दिवाकर प्रत्याशी भाजपा से, और ये कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, इसके तहत कल वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप का आयोजन किया गया, जहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं के कोरोना की जांच भी कराई गई थी। लिहाजा उसी को देखते हुए माना जा रहा है कि अभी 2 दिन शुरू हुई कासगंज में, एक दौरान रैली जनसभा को संबोधित किया था पीएम मोदी और पीएम योगी ने, तो अब चूंकि जनसभा से दूर पड़ने के कारण वहाँ पे पब्लिक जो जनता है, वोटर है, भाजपा कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए थे। इसी को देखते हुए लिहाजा, क्योंकि चूंकि आगरा सटी हुई विधानसभा मानी जाती है, तो इसलिए वहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जलेसर कस्बे का जो एमजीएम इंटर कॉलेज है, उसमें जनसभा को योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक खासा उत्साह भाजपा कार्यकर्ता देखने को मिल रहा है, और कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने की बात निश्चित तौर पर भाजपा कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं कि उस तरीके से डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा, जो कि कारण खतरा मरने की बात न कही जाए। जी, कितनी विशाल ये जनसभा हो सकती है, और आम लोगों के, आम वोटर्स के जहन की बात करें तो उसमें क्या कुछ चल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर अभी जिस तरह की जो राजनीति गरमाई हुई है, जब एक तरफ जो हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, एक तरफ विकास की बात हो रही है, एक तरफ जात धर्म की ध्रुवीकरण की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर जो भाजपा का वोट बैंक है, जो भाजपा का कार्यकर्ता है, उसके दिमाग में सिर्फ मोदी योगी। वहां एक्चुअली होता क्या है ना कि जो भाजपा का वोटर है उसको सिर्फ मोदी और योगी की तस्वीर फूल कमल का फूल दिखता है, या उसको कैंडिडेट से मतलब नहीं होता। आपने देखा 2017 में जिस तरीके से चुनाव हुआ, तो मोदी लहर में 300+ सीटें भाजपा को मिली। तो निश्चित तौर पर भाजपा कार्यकर्ता ये देखता है कि उसको कैंडिडेट से मतलब नहीं है, उसको भाजपा कमल का फूल और मोदी योगी का चेहरा नजर आता है। तो सिर्फ उसके जहन में एक उत्साह ये है कि हाँ, योगी आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, तो कहीं ना कहीं आमना सामना कार्यकर्ता का होता है, तो खासा उत्साह देखने को मिलता है। जी, सचिन, यदि कांटे की टक्कर की बात करें तो जाहिर तौर पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। प्रत्याशी, दोनों के जो प्रत्याशी हैं, उनका कितना बड़ा जनाधार इस क्षेत्र में है? सचिन, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सचिन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बहरहाल शायद हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन 12 बजे के आसपास यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं और यहां पर 2 जनसभाओं को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। जाहिर तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है, और निश्चित तौर पर जैसा कि सचिन बता भी रहे थे कि यहां का जो वोटर्स है, जो बीजेपी समर्थित वोटर्स है, वो स्थानीय मुद्दों से बिल्कुल कटा हुआ है। वो ये नहीं देखता कि यहां से कौन कैंडिडेट मैदान में है, उसके जहन में तस्वीर रहती है तो केवल प्रधानमंत्री मोदी की और मुख्यमंत्री योगी की, और उसी आधार पर यहां पर चुनावी फैसला होने वाला है, जैसा सचिन बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं। जाहिर तौर पर सबसे पहले वो एटा पहुंचने वाले हैं, और एटा के बाद वो औरैया पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद वो फरुखाबाद का दौरा करेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज निश्चित तौर पर जो चुनावी दौरा है वो एटा, फरुखाबाद और औरैया का है, जहां वो कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे।
जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री सबसे पहले एमजीएम इंटर कॉलेज जालेसर एटा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और एक बार फिर से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं अपने संवाददाता, जहां पर मुख्यमंत्री की दूसरी जनसभा होनी है, वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दिनेश अवस्थी। दिनेश, कितने बजे मुख्यमंत्री का यहां पहुंचने का कार्यक्रम है? फरुखाबाद में दो मुख्यमंत्री की सभाएं हैं, एक अमृतपुर में और दूसरी भोजपुर में। अमृतपुर में 1:10 पर एक सभा को संबोधित करेंगे और भोजपुर में 2:15 पर दूसरी सभा को संबोधित करेंगे। जी, उसके अलावा किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? प्रशासन द्वारा राजेपुर और भोजपुर में दोनों जहां पर जनसभाएं होनी है बहुत अच्छी तैयारी की गई है। चारों तरफ जो जिस जगह उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा उसको सुरक्षा घेरे से चारों तरफ से घेरा गया है कि जिससे कि कोई वहां के स्थानीय लोग हेलीकॉप्टर तक ना पहुंच पाए। कुछ कमांडोज भी लगाए गए हैं कि बहुत दूर तक कोई उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घट सके, इसलिए वहां 4x24 सुरक्षा व्यवस्था की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। दिनेश, यहाँ के आम वोटर्स की बात करें तो उनसे किस तरह का फीडबैक अब तक आपको मिल पाया है? देखिए, बता दूं कि फरुखाबाद पूरे जनपद में सीधी भाजपा और सपा की सीधी टक्कर है। यहाँ पर जो कांग्रेस और बसपा है वो इस लड़ाई में नहीं आ पा रही है। सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से है। फरुखाबाद जनपद में 4 विधानसभा सीट है, 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। कायमगंज सुरक्षित सीट से अपना दल का प्रत्याशी सुरभि वहां पर प्रत्याशी बनाई गई है। जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी यहां पर लड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां पर चुनावी समर में उतरे हुए हैं, उनका कितना बड़ा जनाधार आप देखते हैं? देखिए, मैं बता दूं कि फरुखाबाद जो सदर सीट है जिसको हॉट सीट बोला जाता है, यहां पर ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे मेजर सुनील भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं और वर्तमान में भाजपा से विधायक भी हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो जनता से उनका पैचअप है वो बहुत कम रहता है, लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि समाजवादी पार्टी ने सदर से प्रत्याशी घोषित किया, क्योंकि ये सीट समाजवादी पार्टी ने महान दल को दी है। तो महान दल ने अपना प्रत्याशी सुमन मौर्य को घोषित किया है। सुमन मौर्य आगरा की रहने वाली है, फरुखाबाद से उनका कोई लिंक नहीं है, इसलिए जो फरुखाबाद की जनता है वो सुमन मौर्य को बहुत अच्छी तरह से पसंद नहीं कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी सदर सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का कड़ा संघर्ष है। जी, जाहिर तौर पर यहाँ कुल मिला के ये कहें कि कांटे की टक्कर है इस सीट पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कांटे की टक्कर है। कहा नहीं जा सकता कि इसमें से किसका पल्ला भारी रहेगा। जी, इस जानकारी के लिए आपका